एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी जो कि मेरे दिल में था कि काफ़ी लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते और वो सोचते हैं किसको नहीं आते रे? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से शूट पे, सिल का शूट है, तो अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ से। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तो सूरत के बीच में हूँ। सूरत नमो नमो जय शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। आप लोग तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और अभी जस्ट यहाँ से जो ट्रैफिक थी अभी मतलब छूट चुकी है और मौसम बहुत ज्यादा खराब है और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और देखो वहाँ पे काफी आर्टिस्ट रेडी हो चुके हैं, तो काफी अच्छा लोकेशन है, फर्स्ट टाइम में आया यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। सो फाइनली अभी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और देखो ये बैक साइड है और यहाँ पे काफी आर्टिस्ट आपको दिखाता हूँ और काफी आर्टिस्ट से मिलवाऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहो वीडियो के साथ। और देखो यहाँ पे काफी लोग रेडी हो रहे हैं, सो पहले चलते हैं रूम में। सो फ्रेंड्स भाई अभी लेके जा रहे हैं रूम दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हो ये मंदिर में जो सीन दिया जाता है, आप लोग देख सकते हो ये मंदिर रहा। और यहाँ पे आज छोटा छोटा सीन लेने के लिए सब बनाया गया है, मंदिर भी है यहाँ पे अवेलेबल है सब कुछ, मतलब बाहर जाने नहीं पड़ते इनको। अगर मंदिर का सीन लेना रहा तो मंदिर का सीन ले यहीं पे ले लेते हैं लोग। और अभी यार अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेटअप रेडी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो हमारा रूम देखते हैं इसमें से कौन सा है, क्या है, कैसा है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो फाइनली रूम में आ चुके हैं और काफी ज्यादा काफी छोटा जगह है ना, जगह भी छोटा है, बेस भी छोटा है, बाकी सब कुछ छोटा ही है वहाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मांगी थी? चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं फाइनली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी वहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं आपको। देख सकते हो यहाँ पे रोटी तैयार हो रही है और यहाँ पे आटा आटा तैयार हो रहा है, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ। सो फ्रेंड आई एम रेडी फॉर शूट, आप लोग देख सकते हो नीचे का हम यूनिफॉर्म मिल चुका है और ऊपर का बाकी आप लोग देख सकते हो और ये मिल चुका है और ये। सो कैसा लग रहा हूँ इसमें मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आई होप कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। अभी चल रहे हम लोग सेट पे, सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अंदर का नजारा कैसा लग रहा है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको कहते हैं क्रोमा, जो कि क्रोमा में सूट होता है। सो ये रहा मेरा लुक आज का जो कि मुझे मिला गया है और मैं कैसा लग रहा हूँ वो भी कमेंट करो और आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ सेट पे और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन पर्दा है जो कि जिसको बोलते हैं क्रोमा, आप लोग जानते होंगे जिसको बोलते हैं क्रोमा, क्रोमा जो कि आप लोग को पूरा चीज मिला है, आप लोग देख सकते हो आप लोग क्रोमा है आपको।
हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं और लड़ने के लिए रेडी हुई अपने को मिला है, क्या बोलते हैं इसको, तलवार बोलते हैं हम लोग। सो फाइनली अभी जस्ट ब्रेक हुआ है और अभी जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है और भाई रहे और बहुत मेहनत किया भाई है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इतना रिहर्सल इतना रिएक्शन करना पड़ता है, बहुत बहुत आप जो देखते हो हमें मार खाना पड़ता है। हाँ मार खाना पड़ता है, गिरना पड़ता है भाई, एक एक सीन को लेने के लिए 10 टेक लेना पड़ता है, बहुत बहुत बहुत। और ये एंजॉय से देख रहे हैं भाई ने बैक फ्लिप मारा है ना भाई, इनसे भी एक टेक नहीं हो पाया, दूसरे टेक में अच्छा दे दिया, लेकिन अच्छा दिए, बहुत अच्छा किए। और आप सब देख सकते हो यहाँ पे लंच चालू है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी चलो लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग लंच करके आ चुके, आप लोग देख सकते हो, और अभी रेस्ट करके फिर जाएंगे सूट पे। और हमारे भाई चलो बने रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू भाई। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अभी सेट पे हैं, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे अभी तैयारी चालू है एक्शन और रिएक्शन का। जो फाइटर बता रहे हैं कि आपको ऐसे रिएक्शन देना है, एक्शन देना है, गिरना है और स्टंट मार के गिरना है, सब ये बता रहे हैं। और मतलब हमको जो फाइटर होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उनको कैप्चर करना पड़ता है और काफी मेहनत भी होती है, इसके साथ काफी मजा भी आता है। तो यार शूट पे तो बेसिकली बहुत मजा आता है। और जो देख रहे हो आप लोग जो गिरे पड़े हैं, इनको शंकर भगवान ने मार दिया है। तो कुछ सीन ऐसा है कि शंकर भगवान मार देते हैं तो जितने भी फाइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कुछ सीन ऐसा है। और देखो अभी वो गिर रहे हैं, और जो शूट कर रहे हैं ये प्रोमो शूट होता है, जैसे कि जो बिहाइंड में दिखाते हैं, जो पीछे एकदम दिखाते हैं ना लास्ट में कि शूट ऐसा हुआ है, उसके लिए ये लोग शूट करते हैं। और होता है कुछ कि हमको बोल दिया गया सोने के लिए, तो काफी मजा आता है और काफी इंजॉय होता है। और आप लोग देख सकते हो वहाँ पे फाइटर मास्टर बैठे हुए हैं और कैमरा, बहुत टीम होती है पीछे, आपको इजीली लगता होगा कि इजीली बन जाता है, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, रियली बता रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। जो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो होते हैं डायरेक्टर, क्रिएटिव, जो भी हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। शंकर भगवान को दिखा रहे हैं ना, मैं बताता हूँ आपको ना, इनको दिखाएंगे फिर शंकर भगवान ये प्ले करेंगे, जो एक्शन है शंकर भगवान इनको मारेंगे। सो आप लोग देख सकते हो शंकर भगवान अभी एक्शन दिए कैमरे में। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यार अभी इनका सीन चल रहा है, और डायरेक्टर लोग इनको बता रहे हैं कि तीर चलाना है, धनुष लेकर तीर चलाना है, ऊपर चलाना है, उनको बताया जा रहा है कि ऊपर चलाना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, और बाजू बाजू में क्रोमा लगा हुआ है, और इस जो आप लोग देख रहे हैं ना रस्सी, इसको केबल बोलते हैं हमारे में, केबल बोलते हैं। और इनको देखो अभी बोला था मैं तीर चलाना है। सो फ्रेंड्स अभी आप ग्रीन पर्दा देख रहे हो कैसा लग रहा है, और मैं अभी इसका मतलब एडिटिंग के बाद कैसा लगेगा वो भी सीन दिखाऊंगा, सब कम्प्लीटली दिखाऊंगा, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई लोग। सच में बोलते ना पल भर में चेंज हो गए, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अभी बदलेगा इनका सीन। सो फ्रेंड्स रेडी हो जाओ फटाफट, अभी को बताता हूँ। इतना सारे काव है यार यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, और रात को रात का टाइम है, बहुत सारे काव है, आप लोग देख सकते हो, है ना, ये देखो। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो स्वास्थ्य प्रोडक्शन पर, स्वास्थ्य प्रोडक्शन में अभी वेट कर रहे हैं, और अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम होगा तो ट्रेन पकड़ के जाएंगे रीवा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉफी मिलता है, और मैं बटन दबाता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग फाइनली अंधेरी में पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये अंधेरी रहा। सो अभी मॉर्निंग का 5 o'clock हो रहे हैं, और अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ,
गाड़ी हमको अंधेरी में ड्रॉप करके चली गई। सो यहाँ उनका स्टूडियो है, वहीं पे रुके हुए थे, अभी 5 बजे गए। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं,